Hello everyone, hope you all are doing well. Today I am here with a new chapter, with a new topic, that is chapter 9 from the book Fundamental of Agriculture, Arun Kathan volume 2. And our chapter 9 is Plant Protection Equipment, and today this is the first part of this video lecture. So we start this chapter, but before that, make sure you have liked this video and subscribed this channel. Let's start this video. Before discussing the chapter, I have a question for you from the previous chapter to check your knowledge. And the question is, which of the following is an acaricide? Your options are chlorpyrifos, alethrin, abamectin, all the above. So if you know the right answer, then you comment it. And I request you all to comment this answer, because most of you watch the complete video, but you are not going to answer the questions which I generally asked in the video. So I think the question is not tough, it is very simple question. अगर आपने प्रीवियस चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उस क्वेश्चन का आंसर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो नाउ लेट मी स्टार्ट दिस चैप्टर, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स. इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वेरियस फॉर्मुलेशंस ऑफ पेस्टिसाइड्स. वी ऑल नो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अकॉर्डिंगली वी हैव सेवरल मैथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड. तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैसियस जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो डिफरेंट मैथड्स से हम अप्लाई कर सकते हैं. लाइक इन केस ऑफ सॉलिड वी कैन डू डस्टिंग, इन केस ऑफ लिक्विड वी कैन डू स्प्रेइंग एंड इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंसेज वी कैन डू फ्यूमिगेशन. ये हमारे थे मैथड्स. लेकिन इन मैथड्स को अप्लाई करने के लिए वी रिक्वायर सम इक्विपमेंट्स, and that equipments are known as duster in case of dusting, sprayer in case of spraying, and fumigator in case of fumigation. So basically जो chapter है इसमें हमको जो main detail पढ़नी है, this is the overview of this complete chapter. कि इस पूरे chapter में हमको dusters के बारे में, sprayers के बारे में और fumigators के बारे में ही पढ़ना है. तो आज का जो session है part 1, उसमें duster का complete हो जाएगा और sprayer का कुछ portion complete हो जाएगा, और जो बचा हुआ left over पोर्शन होगा वो हम पार्ट टू में कवर करेंगे. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डस्टर के साथ, डस्टर का इंट्रोडक्शन के साथ. डस्टर्स क्या होते हैं बेसिकली? तो डस्टर्स ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो बेसिकली सॉलिड फॉर्मुलेशंस को अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, इनका मेन जो काम होता है वो ये क्या करते हैं, ये एयर ब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं. इनका जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज़ टू प्रोड्यूस एयर ब्लास्ट. होता क्या है, एक इसमें कंटेनर होता है. कंटेनर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हॉपर बोलते हैं. हॉपर, ठीक है. कंटेनर में अपना जो भी हमारा सामान होता है, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है, सॉलिड फॉर्मुलेशन को हम यहाँ रखते हैं. और ये सॉलिड फॉर्मुलेशन जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है. पाउडर फॉर्म में हम अपनी सॉलिड फॉर्मुलेशन को यहाँ पे रखते हैं. आफ्टर दैट वी अप्लाई सम प्रेशर. प्रेशर से क्या होती है, वहाँ पे प्रेशर से एक एयर जनरेट होगी, जिसके कारण ये सॉलिड फॉर्मुलेशन जो होगी वो इस डस्टर के थ्रू बाहर आ जाएगी. यहाँ पे अटैच होगा एक नोजल. नोजल के थ्रू क्या होता है, नोजल का काम होता है जो भी अंदर का मटेरियल है वो जब बाहर आएगा तो उसको बहुत ही फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में या बहुत ही महीन पार्टिकल्स की फॉर्म में उसको बाहर निकालना है. दैट इज़ जनरल ओवरव्यू ऑफ द एयर ब्लास्ट प्रिंसिपल. तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखते हैं डस्टर का. डस्टर में क्या क्या होता है, इसमें एक फ़ैन लगा होता है जिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लोअर या बेलो वेंचरी बोलते हैं. अब डस्टर भी कई टाइप के होते हैं, जो एक सिंपल होते हैं हैंड ऑपरेटेड जो हमारे हाथ से चल जाते हैं, एक होते हैं पावर ऑपरेटेड. जनरली जो फ़ैन होते हैं हमारे पावर ऑपरेटेड में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. इसके अलावा हॉपर क्या होता है, कंटेनर, जब मैंने अभी आपको बताया जहाँ पर हम अपना मेन फॉर्मुलेशन को रखेंगे, दैट इज़ उस स्ट्रक्चर को, उस वैसल को बोलेंगे हॉपर. और जो ये हमारे फ़ैन होते हैं ये बेसिकली एयर करंट प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं. उसके अलावा जो डस्टर्स होते हैं दे आर जनरली लाइट इन वेट. इनका प्रिंसिपल हमने देखा एयर ब्लास्ट, इनका जो वज़न होता है जनरली दे आर लाइटर इन वेट एज़ कम्पेयर टू स्प्रेयर. वज़न बहुत हल्के होते हैं, प्लस इसकी जो इफ़िशेंसी होती है वो भी 10 गुना ज़्यादा होती है, 10 टाइम्स ज़्यादा होती है स्प्रेयर से. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट अगर इनका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो, डस्टर में एक पार्ट आपको मिलेगा नोज़ल. ठीक है, नोज़ल को आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं. ठीक है, जैसे चाय की छन्नी होती है जस्ट लाइक दैट, ये नोज़ल होती है. जैसे हमारे घर में शावर होते हैं उसमें भी लगा होता है नोज़ल. इस तरह से होता है, इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जहाँ से पार्टिकल्स बाहर निकल कर आते हैं. दैट इज़ नॉर्मल जो नोज़ल होती है वो इस तरह से दिखाई देती है. तो ये होता है नोज़ल. अब नोज़ल क्या करती है, डिलीवरी ट्यूब का काम करती है. दैट इज़
ये एक तरह के डिलीवरी पॉइंट में, डिलीवरी ट्यूब की एंड में अटैच होते हैं। और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, नोजल का मेन काम होता है टू एटोमाइज और टू ब्रेक द फॉर्मुलेशंस इनटू प्रॉपर साइज्ड पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स। इसको हम बोलते हैं एटोमाइजेशन ऑफ द पार्टिकल। सिंपल एटोमाइजेशन का मतलब है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में उनको ब्रेक करना। किसको, पार्टिकल्स को। किसके पार्टिकल्स को, फॉर्मुलेशन के पार्टिकल को। अभी हमने देखा था कि जो डस्टर्स होते हैं उनका एक कंटेनर होता है जिसको हम बोलते हैं हॉपर। ये हमारा है हॉपर, इसके अंदर हमारा सारा फॉर्मुलेशन होता है, सॉलिड फॉर्मुलेशन होगा, क्योंकि हम डस्टर के बारे में पढ़े तो डस्टर इज मेनली डील विद द सॉलिड फॉर्मुलेशन। तो डस्टर में क्या होगा, सॉलिड फॉर्मुलेशन होगा। और नोजल का काम ये होगा कि उस फॉर्मुलेशन को बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने का काम। तभी नोजल जो है एकदम एंड पे अटैच होती है, जहाँ पे एकदम डिलीवरी होने वाली होती है, यानी अंदर का मटेरियल बाहर आउट होने वाला होता है, दैट इज डिलीवरी पॉइंट। वहाँ पे नोजल अटैच होती है ताकि सबसे बहुत ही महीन पार्टिकल्स की फॉर्म में वो प्रोडक्ट जो है अंदर का वो बाहर आए, दैट इज नोन एज एटोमाइजेशन ऑफ द पार्टिकल्स। आफ्टर दैट इसका एक और फंक्शन है टू प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू द आउटगोइंग फॉर्मुलेशन। प्रॉपर शेप देने का, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे एक ही शेप में नजर आए। देन हाउ डज द डस्टर वर्क, डस्टर पार्टिकल्स आर कैप्ट एजिटेटेड एंड इन मोशन इन द हॉपर। तो हॉपर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एजिटेट होते हैं, मिक्स होते रहते हैं, मोशन में होते हैं, एंड दे आर फेड इनटू द एयर करंट टू डिस्चार्ज द पार्टिकल्स इनटू वेरी फाइन डस्ट। बहुत ही बारीक डस्ट में ये निकल के आ जाते हैं, दैट इज ड्यू टू द एयर करंट। और एयर करंट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, दे आर मेनली प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फैन। तो ये जो है नॉर्मल एक ओवरव्यू था डस्टर का कि डस्टर किस तरह से काम करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ डस्टर। दो टाइप्स के डस्टर्स होते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ डस्टर। एक होता है हमारा, पहली कैटेगरी है हैंड ऑपरेटेड डस्टर्स, यहाँ पे हम अपने कम्प्लीटली मैकेनिकली मैनुअली हम उसको हैंड से ऑपरेट करेंगे। दूसरी कैटेगरी हमारी होती है पावर ऑपरेटेड डस्टर्स। पहली कैटेगरी के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, हैंड ऑपरेटेड डस्टर्स। अभी जो हैंड ऑपरेटेड डस्टर्स है ये भी अगेन फाइव टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, पहले हम टाइप्स के नाम देख लेते हैं। हैंड ऑपरेटेड डस्टर्स में पहला आता है हमारा पैकेज इन कंटेनर डस्टर। देन नंबर टू इज प्लंजर, प्लंजर ऑल्सो नोन एज पिस्टन और हैंड पम्प्स, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है हमारी बिलो डस्टर, एंड द फोर्थ वन इज रोटेटरी डस्टर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैंक डस्टर। और जो लास्ट आता है हमारा पांचवा, दैट इज ट्रैक्शन डस्टर। ओके, तो ये पांच डिफरेंट कैटेगरीज थी, ये सब हमारे हैंड ऑपरेटेड डस्टर के पार्ट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट टाइप होगा, दैट इज पावर ऑपरेटेड, जहाँ पे पावर की नीड होती है, दैट इज़ पावर ऑपरेटर। अभी हम पढ़ेंगे हैंड ऑपरेटेड के बारे में। तो पांच के बारे में हम पहले वन बाय वन पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन। तो जो हैंड ऑपरेटेड डस्टर है इसमें हमारी कौन कौन से आ गए हैं। पहली कैटेगरी में हमारा आएगा पैकेज डस्टर, या फिर जो कंटेनर डस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के डस्टर्स होते हैं, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में जो यूज होने स्टार्ट हुए थे यही थे, पैकेज टाइप कंटेनर डस्टर, दैट इज़ वाई इट्स नेम इज़ प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। इनका मेनली होता क्या है, अगर आप इसको फिगर में ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या होता है, बेसिकली स्क्वीजिंग डिवाइस होता है, यानी एक स्क्वीजिंग डिवाइस का मतलब होता है जिसको हम प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद जो भी वहाँ पे अंदर फॉर्मुलेशन है वो प्रेस करने के कारण जो अंदर प्रेशर क्रिएट होगा और एयर प्रेशर क्रिएट होने के कारण वो पार्टिकल्स बाहर रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स। तो यही हमारा इन ओवरऑल जो पैकेज कंटेनर और डस्टर्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अगेन यहाँ पे भी एयर ब्लास्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्वीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर, तो जो भी अंदर का मटेरियल होता है इट विल डिस्चार्ज आउट। इसके लिए एग्जांपल जनरली हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये जनरली स्मॉल स्केल में यूज़ होता है। स्मॉल स्केल का मतलब हम अपने घर में लाइक किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल अपने हाउस में कोई हमको पेस्ट कंट्रोल करना है वहाँ पे हम इसको कंटेनर डस्टर या पैकेट डस्टर यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल आई होप यू ऑल नो अबाउट द बेड बग्स। बैड बग्स, ओके, बैड बग्स को हम नॉर्मल शायद हिंदी में खटमल बोलते हैं इसको, और अगर साइंटिफिक नेम अगर आपको उसका पता है दैट इज़ नोट कर सकते हैं, साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट होते हैं। बैड बग का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज साइमेक्स लैक्टुलेरिया, साइमेक्स लैक्टुलेरिया। और क्योंकि ये बग है,
बग जहाँ पे भी आ जाएगा आपको याद रखना है हेमिप्टेरा। क्या है हेमिप्टेरा? इसका ऑर्डर है, ठीक है। ये हेमिप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, बैड बग्स। अभी होता क्या है, बैड बग्स जिसको हम नॉर्मली खटमन बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम है इसका साइमेक्स लैक्टुलेरिया। ये क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं BHC। अब ये BHC क्या है, डोंट फॉरगेट, यही भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। हमने प्रीवियस चैप्टर में जो इंसेक्टिसाइड्स हम पढ़े थे, वहाँ पे हमने पढ़ा था क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़ा था। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन में ही हमने BHC पढ़ा था। BHC स्टैंड्स फॉर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ओके। अभी जो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, ये हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इसको हम पैक करेंगे मसलिन क्लोथ में या फिर किसी फाइन क्लोथ में, और इससे हम किल करते हैं बैड बग्स को, यानी खटमल्स जो होते हैं बैड बग्स, उनको किल करने के लिए हम BHC का यूज़ करते हैं। तो ये जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पैकेज कंटेनर के तौर पे। इसमें हम एक कंटेनर में BHC का फॉर्मूलेशन रख लेते हैं और उसको हम प्रेस करते हैं सो दैट इट कैन ईजली किल द बैड बग्स। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी पैकेज या डस्टर कंटेनर्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी हैंड ऑपरेटेड में, दैट इज़ प्लंजर, पिस्टन, डस्टर एंड हैंड पंप्स। बट दिस टाइप ऑफ डस्टर हैज़ वन अनदर नेम, क्योंकि ये जो डस्टर्स होते हैं प्लंजर टाइप डस्टर्स, ये यूज़ होते हैं मेनली टू कंट्रोल रोडेंट्स ऑल्सो। तो रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होते हैं, एंड वहाँ पे हम इसका कुछ फ्यूमिगेशन इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको साइनोगैस या फिर साइनोमैक के नाम से भी इनको जाना जाता है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फुट पम्प डस्टर। क्योंकि इनको हम फुट पम्प डस्टर इसलिए बोलते हैं कि पैर की हेल्प से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वाई। अब इस डस्टर की मेन जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये जनरली, ये भी स्मॉल स्केल में यूज़ होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्मॉल स्केल, लाइक हम इसको अपने नॉर्मल किचन गार्डन या जो नॉर्मल अपने हाउस में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑपरेटेड बाय प्लंजर पम्प एंड डस्ट इज डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट बाय द कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ अ प्लंजर पम्प। इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक होता है जहाँ पे हमें पिस्टन की हेल्प से इसको कंप्रेस करना होता है और जो हमारा फॉर्मुलेशन होता है वो बाहर आता है। सबसे स्मॉल और ईजी टू यूज ऑपरेट ये है और बहुत ही ज़्यादा चीप होता है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हैंडल इनेबल द डस्ट टू एंटर। जब इसमें जो हम पिस्टन होती है, सो जो ऊपर हम खींचते हैं, अपवर्ड मूवमेंट जो होती है, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है डस्ट टू एंटर इन टू द पम्प। जो भी डस्ट होगी वो पम्प में एंटर कर जाएगी, ठीक है। एंड पुशिंग द हैंडल डाउन, जब हम उसको नीचे मूव करेंगे, इट मीन्स इट इनेबल द डस्ट टू डिस्चार्ज थ्रू द नोजल, वो बाहर निकल जाएगी नोजल से। तो मूवमेंट का मतलब यहाँ पे क्लियर है कि अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है और डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, और ये स्मॉल स्केल किचन गार्डन में यूज होता है, दैट इज़ ऑलरेडी आई टोल्ड यू। थर्ड कैटेगरी इज बिलो डस्टर। बिलो डस्टर भी अगेन स्मॉल स्केल किचन गार्डन टाइप की जगह पे ही हम यूज़ कर सकते हैं। बिलो डस्टर्स में बेसिकली क्या होता है, अगेन इसमें भी हम एक जगह से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण जो भी हमारे फॉर्मुलेशन होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट इज़ आर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ बिलो डस्टर। इसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो भी हमारा फॉर्मुलेशन होती है उसमें एयर करंट प्रोड्यूस होकर मूवमेंट होती है, दैट कम्स आउट, दैट इज़ बिलो डस्टर। फोर्थ कैटेगरी है हमारी रोटरी हैंड या फिर क्रैंक डस्टर की, ठीक है। इसमें बेसिकली हैंडल प्रोवाइड होता है फॉर रोटेटरी मोशन, ठीक है। हाथ से हम उसको रोटेट करेंगे और रोटेट करने के कारण क्या हो जाएगा, उसमें जो फैन लगा होगा वो मूवमेंट शो करेगा और इसी कारण जो है वहाँ पे एयर ब्लास्ट प्रोड्यूस होगा जिसके कारण हमारे फॉर्मुलेशन है वो बाहर आ जाएगा, दैट इज़ रोटरी डस्टर। एयर करंट इज प्रोड्यूस बाय अ फैन और अ ब्लोअर। फैन इज ड्राइवन बाय अ रोटरी मोशन और अ हैंडल थ्रो अ रिडक्शन गियर। सिंपल सा ध्यान रखना है कि हैंडल जो होता है वो अटैच होगा रोटेटरी मोशन से और रोटेटरी मोशन के कारण ही फैन मूव करेगा। देन फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ डस्टर, डस्ट इज कैरीड बाय रोटेटिंग ब्रश इन साइड ऑफ फीडिंग ब्रश। यहाँ पे क्या होता है, फीड जो होती है, फीड का मतलब है कि यहाँ पे जो कंटेनर था जिसको हमने हॉपर नाम दिया था उसके अंदर जो भी फीडिंग होगा यानी जो हमारी फॉर्मुलेशन होगी वो फीड होगी, दैन वो
प्रॉपर एयर करंट जब प्रोड्यूस होगा, रोटेटरी मोशन, यहाँ पे जो हैंडल है उसको हम जब रोटेट करेंगे तो अंदर का फ़ैन रोटेट होगा, जिसके कारण यहाँ पे एयर प्रोड्यूस हो जाएगी और ये एयर के थ्रू वो बाहर मूव करेगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द डिस्चार्ज रेट। इसका जो डिस्चार्ज रेट होता है दैट इज़ 0.5 to 150 ग्राम्स पर मिनट, और जो RPMs है दैट इज़ 35 RPM, यानी रिवोल्यूशंस पर मिनट। हम उस हैंडल को एक मिनट में कितनी बार रिवॉल्व कर पा रहे हैं, तो 35 रिवॉल्यूशंस की अगर हम बात करें 35 में, तो कितना इसका डिस्चार्ज रेट होगा, 0.5 से 150 ग्राम्स। ओके, अब इसकी जो हॉपर होता है यानी जो कंटेनर जो अपने अंदर कंसिस्ट करता है फॉर्मुलेशन को, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है हमारी 5 kg। तो हॉपर की जो कैपेसिटी है दैट इज़ अबाउट 5 kg, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो रोटरी डस्टर्स होते हैं, दे आर जनरली 2 कैटेगरीज, ये 2 टाइप्स के होते हैं, बेली टाइप एंड शोल्डर टाइप। जनरली जो बेली टाइप्स होते हैं, नाम से क्लियर है, बेली टाइप को हम बेली में सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं, और जो शोल्डर टाइप होंगे उसको हम शोल्डर में सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है वो बेली टाइप का होता है। और लास्ट कैटेगरी है दैट इज़ द ट्रैक्शन डस्टर। ट्रैक्शन डस्टर बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी होती है, ठीक है, इसके अंदर भी तीन टाइप के और डस्टर्स आते हैं, पर बेसिकली जो ट्रैक्शन डस्टर्स होते हैं वो लार्ज स्केल में यूज़ होते हैं, ध्यान रखना है, लार्ज स्केल में यूज़ होते हैं। और इसमें क्या होता है, डस्टर होता है उसको हम एक व्हील के ऊपर, पहिए के ऊपर हम चढ़ा देते हैं, यानी जो डस्टर है वो हमारे व्हील के ऊपर चढ़ जाएगा, और व्हील जो होगा उससे कनेक्ट होगा फ़ैन, व्हील से कनेक्ट होगा फ़ैन, और जैसे जैसे फ़ैन मूव करेगा, यानी जैसे जैसे व्हील मूव करेगा, फ़ैन मूव करेगा तो फ़ैन क्या करेगा, जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है वो डस्टर के थ्रू बाहर जो है वो सप्लाई हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट इज़ जनरल ओवरव्यू ऑफ द ट्रैक्शन डस्टर। ओके, जनरली ध्यान जो इसमें रखना है, ये लार्ज स्केल में यूज़ होता है, वन थिंग। सो वी रिवाइज वंस अगेन व्हाट वी आर स्टडीड सो फार अबाउट डस्टर्स। देर आर 5 कैटेगरीज ऑफ हैंड ऑपरेटेड डस्टर्स। फर्स्ट वन इज पैकेज कंटेनर डस्टर, यू कैन सी द फिगर। सेकेंड वन इज प्लंजर, पिस्टन एंड हैंड पम्प और फुट पम्प डस्टर, यू कैन सी दिस इज द फिगर ऑफ दिस पम्प। एंड थर्ड वन इज बिलो डस्टर, सो हियर दिस इज बिलो डस्टर फिगर। एंड द नेक्स्ट वन इज रोटरी और क्रैंक डस्टर, एंड द लास्ट वन इज फ्रैक्शन डस्टर। तो ये हमारे नॉर्मल जो हमें डस्टर्स पड़े थे अभी, 5 डस्टर्स, ये हमारे हैंड ऑपरेटेड डस्टर्स थे। अगेन आई एम रिपीटिंग, हैंड ऑपरेटेड डस्टर्स आर ऑफ 5 टाइप्स, पैकेज कंटेनर डस्टर, प्लंजर डस्टर जिसको हम पिस्टन डस्टर या हैंड पंप डस्टर भी बोलते हैं, देन बिलो डस्टर, रोटेटरी डस्टर या क्रैंक डस्टर, एंड लास्ट वन इज ट्रैक्शन डस्टर। नाउ वी हैव कम्प्लीटेड दिस कैटेगरी ऑफ डस्टर्स। Now we move on to the next category of duster, that is power operated. अभी तक हमने hand operated के बारे में देखा था, अब हम बात करेंगे power operated dusters के बारे में। Power operated dusters के अंदर कोई different categories हमको नहीं पढ़नी, सिर्फ power operated में हमको power operated dusters के कुछ important features और facts जानने हैं। The first point is here power operated motors are used to run both agitator inside the hopper and the blower or the fan to produce air blast. ठीक है, यानी यहाँ पे हमको मोटर की ज़रूरत होती है, अंदर एक एजिटेटर लगा होता है और एक ब्लोअर होता है, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एजिटेटर जो होता है वो फॉर्मुलेशन को कंटिन्यूसली मिक्स करता है, और ब्लोअर जो होता है वो एयर करंट प्रोवाइड करता है, और इन दोनों का कनेक्शन होता है मोटर से, जैसे मोटर रन करेगी दे आर ऑल्सो वर्किंग। आफ्टर दैट इनका जो नॉर्मली हॉर्स पावर होती है, यानी कितनी एनर्जी कंज्यूम्स करते हैं, दैट इज़ 1 to 3 horsepower जनरली यूज बाय द एयर कूल इंजन्स। एंड हॉपर की कैपेसिटी जो होती है 10 से 20 kg की होती है हॉपर कैपेसिटी। एंड डिस्चार्ज रेट इज़ 1 to 9 kg per minute, सी इनका डिस्चार्ज रेट होता है, यानी 1 मिनट में 1 to 9 kg का जो फॉर्मुलेशन है वो डिस्चार्ज हो जाता है। दैट इज़ दिस, कितना एरिया कवर कर सकते हैं हम इसके, क्योंकि पावर ऑपरेटर ने, पावर ऑपरेटर से हम बहुत बड़ा एरिया इजीली कवर कर सकते हैं, एंड अबाउट 1 घंटे में हम 12 hectares का एरिया हम इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द डस्ट फ्लो कैन बी रेगुलेटेड फ्रॉम 0 to 1.5 kg per minute बाय एडजस्टिंग द मल्टी होल डिस्क। इसमें बहुत सारी डिस्क होती हैं, मल्टी होल डिस्क, अगर हम मल्टी होल डिस्क को ईजिली रेगुलेट करें तो हम जो फ्लो रेट होता है,
ठीक है, उसको हम अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और उसको हम ज़्यादा नहीं, वन टू 0 टू 1.5 kg per minute तक ही हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल ओवरव्यू था हमारा पावर ऑपरेटेड डस्टर्स का। लेकिन जो बड़े साइज़ के डस्टर्स होते हैं, ठीक है, लार्ज साइज़ के अगर डस्टर्स की बात करें, उनकी जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ 500 to 1000 kg की कैपेसिटी होती है, और उनकी जो इंजन यूज़ होता है उसमें पावर का, दैट इज़ अप टू 25 horsepower। ठीक है, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है, तो जनरल जो नॉर्मली 1 से 3 horsepower होता है, लेकिन जो बड़े बड़े डस्टर्स होते हैं उनका 25 horsepower तक का भी जो एनर्जी होती है वो रिक्वायर हो जाती है। तो अभी तक हमने ये इन्फॉर्मेशन ली डस्टर्स के बारे में, हम डस्टर्स में क्या हमने पढ़ा उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डस्टर्स बेसिकली ऐसा इक्विपमेंट होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो सॉलिड फॉर्मुलेशंस को अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में अगर हम देखें, इसमें हॉपर लगा होता है, इसके जो कंटेनर होता है हम उसको हॉपर बोलते हैं। दो कैटेगरीज में डिवाइड है, हैंड ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड। हैंड ऑपरेटेड अगेन 5 type, पैकेज कंटेनर डस्टर्स, सेकेंड है हमारा प्लंजर डस्टर्स, दैन बिलो डस्टर, रोटेटरी डस्टर एंड ट्रैक्शन। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद पावर ऑपरेटर में जो इम्पॉर्टेंट थी वो उनकी कैपेसिटी और जो पावर रिक्वायरमेंट होता है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1 से 3 horsepower इनकी जनरल होता है रिक्वायरमेंट, और उनकी जो कैपेसिटी हॉपर की वो 10 से 20 kg का होता है। डिस्चार्ज रेट याद रखना है, 1 मिनट में 1 to 9 kg, और एरिया कितना हुआ कर सकते हैं 1 घंटे में 12 hectare per hour। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जनरल इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द डस्टर्स। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज स्प्रेयर। ओके, स्प्रेयर्स क्या होते हैं? ये ऐसे डिवाइस होते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जनरली जो अप्लाई करते हैं फॉर्मुलेशंस, किस टाइप की फॉर्मुलेशंस, लिक्विड फॉर्मुलेशंस को, ये ध्यान रखना है। इतना ही अंतर है डस्टर और स्प्रेयर में, इतना ही अंतर कि जो डस्टर्स थे वो सॉलिड फॉर्मुलेशंस के लिए एप्लीकेशन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो स्प्रेयर्स होते हैं दे आर मेनली यूज फॉर स्प्रेइंग लिक्विड टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, स्प्रेयर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ओके, दे आर 3 types ऑफ फॉर्मुलेशन। स्प्रेयर में भी 3 types के फॉर्मुलेशंस बन जाते हैं, ये ध्यान रखना है। स्प्रेयर के अंदर भी हमारे 3 types की डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं, डिपेंड करते हैं कि हमारा जो हम कंटेंट उसमें यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है। जो टॉक्सिकेंट हम उसमें यूज़ करेंगे वो पानी में घुलनशील है या नहीं है। सॉल्यूबल होंगे तो दैट कम्स अंडर द एक्वस सॉल्यूशन कैटेगरी। तो कौन से टाइप की फॉर्मुलेशन में आएंगे? एक्वस सॉल्यूशन इन केस ऑफ सॉल्यूबल टॉक्सिकेंट। लेकिन अगर वो इनसॉल्यूबल होते हैं तो इनसॉल्यूबल के अंदर हमारी 2 category बन जाएंगी, या तो सस्पेंशन फॉर्म करेंगे या फिर वो इमल्शन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये सस्पेंशन और इमल्शन तब क्रिएट होंगे जब हमारे टॉक्सिकेंट इनसॉल्यूबल होंगे। तो रिमेंबर द स्प्रेयर्स की फॉर्मुलेशन 3 categories में डिवाइड हैं, एक्वस सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड इमल्शन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूबल टॉक्सिकेंट जो है वो सॉल्यूबल है, और सस्पेंशन इमल्शन के केस में टॉक्सिकेंट इनसॉल्यूबल होता है। यहाँ पे हम जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर्मुलेशंस, दैट इज़ WP यानी वेटेबल पाउडर, एंड WDP दैट इज़ वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर। ओके, ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी स्प्रेयर से रिलेटेड। अब आते हैं हम स्प्रेयर के प्रिंसिपल में। ठीक है, स्प्रेयर के प्रिंसिपल में पढ़ने से पहले एक फैक्ट याद रखना है कि इसके जो कंटेनर होते हैं दैट्स नोन एज टैंक। यहाँ पे हम उसके कंटेनर को टैंक नाम दिया गया। जैसे अभी हमने डस्टर पढ़ा था, डस्टर में हमने पढ़ा था दैट इज हॉपर। डस्टर का जो कंटेनर था जहाँ पे सॉलिड फॉर्मुलेशंस रखी जाती हैं दैट इज हॉपर। लेकिन स्प्रेयर के केस में हमने कंटेनर का नाम दिया है दैट इज़ टैंक। यानी जो भी हम स्प्रे करने वाले होते हैं तो हमारी जो भी लिक्विड फॉर्मुलेशन होगी वो जहाँ पे हम जो रखते हैं हम जिस प्लेस में दैट इज नोन एज टैंक। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्प्रेयर के 3 principles होते हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं। इस फिगर की हेल्प से हम 3 principles को फटाफट निपटा लेते हैं। 3 principles बिहाइंड द स्प्रेयर। तो स्प्रेयर के जो 3 principles हैं दैट इज़ हाइड्रोलिक स्प्रेयर, न्यूमैटिक स्प्रेयर एंड एयर ब्लास्ट स्प्रेयर। तो फर्स्ट कैटेगरी है हाइड्रोलिक स्प्रेयर। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज सपोज पिस्टन। फिगर में आपको दिख रहे हैं आप पिस्टन हैं एंड दिस वन इज़ लिक्विड स्प्रे लिक्विड। ये जो है स्प्रे लिक्विड है। तो न्यूमैटिक
हाइड्रोलिक स्प्रेयर के केस में क्या होता है कि जो पिस्टन होता है वो डायरेक्टली जब हम प्रेस करेंगे, यानी इसको हम जब नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेंगे, तो ये अपना जो प्रेशर होता है वो स्प्रे लिक्विड पे क्रिएट करेगा और स्प्रे लिक्विड ऑटोमेटिकली कम्स आउट फ्रॉम द नोजल, ये जो नोजल है वो नोजल के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक स्प्रेयर। हाइड्रोलिक स्प्रेयर में जो भी पिस्टन का प्रेशर होगा सबसे पहले वो लिक्विड स्प्रे पे लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें न्यूमैटिक स्प्रेयर की, तो न्यूमैटिक स्प्रे के केस में क्या होता है, बीच में एक जो होती है एयर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ इतने हिस्से में यहाँ पे हवा होती है, एयर की एक लेयर होती है, और जैसे ही हम पिस्टन को प्रेस करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो पिस्टन का एक प्रेशर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेशर फील बाय दिस एयर, आफ्टर दैट ये प्रेशर ट्रांसफर होगा स्प्रे लिक्विड में, एंड देन द स्प्रे लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम दिस नोडल नोजल। तो ये जो होगा, यानी इस तरह के जो फिनोमेना होगा, जब बीच में एक एयर प्रेजेंट होगी पिस्टन और स्प्रे लिक्विड के बीच में, यहाँ पे क्या होगा, जो स्प्रे लिक्विड में जो प्रेशर आएगा वो सबसे पहले एयर पास होगा, उसके बाद एयर से स्प्रे लिक्विड में पास होगा, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमैटिक स्प्रेयर। और जो लास्ट है दैट इज़ द एयर ब्लास्ट स्प्रेयर, इसमें पूरे में यहाँ पे हवा होती है, ये जो वैकेंट स्पेस है दैट इज़ एयर। पिस्टन प्रेस करने पर होता क्या है कि यहाँ पर जो स्प्रे लिक्विड है ये इस पर जब एयर प्रेशर पड़ता है तो ये लिक्विड है बहुत फाइन पार्टिकल्स में, बहुत ही माइन्यूट ड्रॉपलेट्स में या फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड होके यहाँ से डिस्चार्ज आउट होगा, दैट इज़ स्प्रे ब्लास्ट स्प्रेयर, या फिर इसको ब्लोअर भी बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लोअर। तो जो तीन हमने पढ़े, दैट इज़ हाइड्रोलिक स्प्रेयर, न्यूमैटिक स्प्रेयर, एयर ब्लास्ट स्प्रेयर, दे ऑल आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ स्प्रेयर। नाउ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रिंसिपल्स हैं दैट इज़ सेम हाइड्रोलिक स्प्रेयर, देन न्यूमैटिक स्प्रेयर के दूसरे नाम होते हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन एंड कंप्रेस्ड एयर, बिकॉज यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एयर, दैट इज़ वाई। उसके बाद लास्ट है हमारा एयर ब्लास्ट स्प्रेयर जिसको हम ब्लोअर भी बोलते हैं। अब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्प्रेयर को देखेंगे। स्प्रेयर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें एक टैंक होता है, द कंटेनर जहाँ पे फॉर्मुलेशन को रखा जाएगा, ठीक है, द पार्ट वेयर वी कैप्ट फॉर्मुलेशन आर नोन एज टैंक, देन पंप यहाँ पे होता है। अभी हमको पंप के बारे में थोड़ा डिटेल देखना है, पंप्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हमको देखने हैं, आपने देख नोजल इंपॉर्टेंट, नोजल के भी टाइप्स हमको देखने होता है, ठीक है। एजिटेटर होता है जो प्रॉपर मिक्सिंग के लिए होता है, एजिटेटर, प्रेशर चैम्बर, प्रेशर गेज, होज एंड स्प्रे लेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं स्प्रेयर के। पंप के बारे में हमें थोड़ा यहाँ डिटेल देखना है, पंप और नोजल को डिटेल में पढ़ना है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट पंप। इट इज़ यूज फॉर एटोमाइजेशन ऑफ द लिक्विड थ्रू द एयर, यानी लिक्विड को बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में, बहुत ही फाइन स्ट्रीम में डिवाइड करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ पम्प। दो तरह के हम क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं वाइल वी आर सिलेक्टिंग पम्प। कौन सा पम्प हम सिलेक्ट करेंगे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के फॉर्मुलेशन को स्प्रे करने जा रहे हैं, यानी जो लिक्विड है उसका नेचर कैसा है, वो कितना विस्कस है, इस पर डिपेंड करता है। आफ्टर दैट जो हमारे डिपेंड करता है कि नोजल जो हमने यूज़ करी है वो कितने प्रेशर ऑफ लिक्विड को डिस्चार्ज करने के लिए हम यूज़ करेंगे, तो उस पर भी हमारा पंप जो है वो डिपेंड करता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है कि हमारे पंप, टाइप्स ऑफ पंप्स। तो पंप्स के हमको डिफरेंट टाइप्स पढ़ने होते हैं। तो अगर हम बात करें पंप के टाइप्स की, तो देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ पंप। पहला है हमारा एयर न्यूमैटिक पंप। तो एयर न्यूमैटिक से मतलब इसमें क्या होगा, हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से एयर जो होगी वो कंप्रेस होगी। सेम यही अप्लाई हुआ यहाँ पे। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैंड कंप्रेशन या फिर न्यूमैटिक स्प्रेयर। इट इज़ यूज टू फोर्स एयर इनटू द एयर टाइट टैंक, ठीक है। इसमें होता क्या है, टैंक होगा, कंटेनर्स में एयर फिल होगी, उसको हम कंप्रेस करेंगे फोर्स लगा के, देन आफ्टर दैट जो भी हमारा लिक्विड वहाँ स्टोर होगा वो एयर के कॉन्टैक्ट की वजह से प्रेशराइज होके ऑटोमाइज हो जाएगा, यानी फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ अ सिंपल अबाउट न्यूमैटिक स्प्रेयर। सेकेंड कैटेगरी है हमारी प्लंजर या पिस्टन पंप की। प्लंजर और पिस्टन पंप में देखा जाता है ये बेसिकली पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर्स होते हैं, यानी जो हैंड, एक होते हैं हैंड ऑपरेटेड, एक होते हैं पावर ऑपरेटेड। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, स्प्रेयर की भी दो टाइप्स होते हैं। जैसे हमने डस्टर पढ़ा था ना, अभी हमने देखा डस्टर, तो डस्टर के भी दो टाइप्स थे, एक हमारे थे हैंड ऑपरेटेड जो हम हाथ से चला रहे थे, एक थे हमारे पावर ऑपरेटेड
ठीक है, तो वैसे ही जो डस्टर होते हैं वैसे ही सेम स्प्रेयर्स भी ऐसे होते हैं। दो कैटेगरीज में हम स्प्रेयर को भी डिवाइड करेंगे, हैंड ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड। तो जनरली जो प्लंजर या पिस्टन वाला जो पंप होता है जनरली हम यूज़ करते हैं पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर्स में। ठीक है, पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर में हम यूज़ करेंगे प्लंजर या पिस्टन पंप को। इनके अंदर जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसी कारण ये हाई वॉल्यूम स्प्रे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर कितना बिल्डअप होता है? अराउंड 70 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? फॉर हाई वॉल्यूम स्प्रे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट में हमने स्प्रे वॉल्यूम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था जो हाई वॉल्यूम स्प्रे होता है वो कितना होता है, दैट इज़ मोर देन 400 लीटर पर आवर। ठीक है, 400 लीटर प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है, दैट इज़ नोन एज हाई वॉल्यूम स्प्रे। ठीक है, और इसी तरह लो वॉल्यूम में कितना होता है, 500 to 400 लो वॉल्यूम में, और अल्ट्रा लो वॉल्यूम में लेस देन 500 होता है। तो ये जनरली जो प्लंजर वाला यूज़ होता है उसका, क्योंकि प्रेशर जनरेट बहुत ज़्यादा हाई है, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज फॉर हाई वॉल्यूम स्प्रे। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। प्लंजर पूछा जाता है कि प्लंजर या पिस्टन पंप किस टाइप के स्प्रेयर में यूज़ होते हैं, तो हाई वॉल्यूम स्प्रेयर में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है रोटरी पंप। रोटरी पंप में क्या होता है कि इसमें रोटेशन के लिए प्रॉपर एक हैंडल होता है जिससे रोटेशन परफॉर्म हो पाता है, जिसकी इसमें भी दो कैटेगरीज बन जाती हैं, गियर टाइप के एंड रोलर टाइप, रोलर वेन टाइप रोटरी पंप। इनमें दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। गियर पंप जो होते हैं जल्दी उसमें बहुत ही कम प्रेशर बिल्डअप होता है, लेकिन जो रोलर वेन टाइप का पंप होता है उसमें प्रेशर बिल्डअप बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो दोनों में प्रेशर वेरी करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं गियर टाइप की अगर बात करें तो गियर टाइप में बहुत कम प्रेशर है, 4.2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर बिल्डअप होता है। जल्दी ये लो वॉल्यूम स्प्रे में हम यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है, इससे पहले हमने पढ़ा था प्लंजर या पिस्टन पंप, जो हम हाई वॉल्यूम स्प्रे में यूज़ करते हैं। हाई वॉल्यूम का मतलब कि कितना वॉल्यूम स्प्रे, मोर देन 400 लीटर्स पर हेक्टेयर। ठीक है, लेकिन जो गियर टाइप के होते हैं ये हम लो वॉल्यूम स्प्रे में यूज़ करते हैं। लो वॉल्यूम स्प्रे की वैल्यूज़ कितनी होती है, अराउंड वेरी करता है 500 to 400 लीटर्स पर हेक्टेयर। तो ये लो वॉल्यूम की वैल्यू है और मोर देन 400 दैट इज़ हाई वॉल्यूम। तो जो गियर टाइप पंप होता है दैट इज़ जो कम प्रेशर बिल्डअप कर पा रहा है 4.2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इट यूज्ड फॉर लो प्रेशर या लो वॉल्यूम स्प्रे लिक्विड। जबकि जो रोलर वेन टाइप्स जो होते हैं जिस जनरेट कंपैरेटिवली हायर प्रेशर, दैट इज 8.4 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड मीडियम टाइप्स या फिर हम बोल सकते हैं हाई प्रेशर वॉल्यूम स्प्रे के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डायफ्राम पम्प। तो डायफ्राम पम्प जो होते हैं ये भी सेम प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं जैसे प्लंजर प्रिंसिपल, जो प्लंजर पम्प होता है उसके ही प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होते हैं। एंड दे ऑल्सो जनरली यूज फॉर हाई वॉल्यूम स्प्रे लिक्विड्स। तो ये भी हाई वॉल्यूम स्प्रे लिक्विड यानी मोर देन 400 लीटर्स पर हेक्टेयर वाले स्प्रे पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है सेंट्रिफ्यूगल या फिर इम्पेलर टाइप पंप। ये जो पंप होते हैं इनकी जो प्रेशर जनरेट करने की कैपेसिटी है बहुत कम है, दैट इज़ अराउंड 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और दे आर मेनली सुटेबल फॉर लो वॉल्यूम स्प्रे। सो देयरफॉर द सेंट्रिफ्यूगल टाइप ऑफ पंप ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग लो प्रेशर एंड हैंस यूज इन लो प्रेशर वॉल्यूम स्प्रेयर। तो ये हाई वॉल्यूम में सुटेबल नहीं है, ध्यान रखना है, नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर स्प्रेयर, यानी ये हाई प्रेशर के लिए नहीं है। तो ये लो प्रेशर वॉल्यूम स्प्रेयर के लिए ही सुटेबल होते हैं। आफ्टर दैट हमारे जो लास्ट कैटेगरी, दैट इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प। तो लास्ट कैटेगरी है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प। ये जो जनरली यूज़ होते हैं हाई विस्कस टाइप ऑफ लिक्विड स्प्रेज जब हम करना होता है, यानी ऐसा फ्लूड जो बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, उस केस में हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प वाले स्प्रेयर को यूज़ करते हैं, इस टाइप के पम्प यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पम्प का क्लासिफिकेशन। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने पम्प में स्प्रेयर में क्या क्या देखा। सबसे पहले स्प्रेयर के तीन प्रिंसिपल हमने देखे, हाइड्रोलिक स्प्रेयर जहाँ पे पिस्टन प्रेस करने से डायरेक्ट स्प्रे लिक्विड का बाहर डिस्चार्ज होगा, न्यूमैटिक या कंप्रेस्ड एयर, इसमें क्या होगी एयर प्रेजेंट होगी, पहले एयर को कंप्रेस करेंगे उसके बाद स्प्रे लिक्विड डिस्चार्ज होगा। एंड द लास्ट कैटेगरी इज एयर ब्लास्ट स्प्रेयर।
एयर ब्लास्ट, ओके एयर ब्लास्ट को ब्लोअर भी बोलते हैं। इसमें कैटेगरी में था कि पूरा जो हमारा जो पिस्टन है वो सबसे पहले जब प्रेशर क्रिएट करेगी तो एयर ब्लास्ट होगा, उसके बाद स्प्रे लिक्विड बहुत फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड होकर बाहर निकलेगा। पंप का क्लासिफिकेशन देखना था हमको, तो पंप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्प्रेयर में। तो पंप जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के पंप हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि हम किस वॉल्यूम के स्प्रे को प्रेफर कर रहे हैं, हाई वॉल्यूम स्प्रे है या लो वॉल्यूम स्प्रे, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स आर अवेलेबल। एयर यूनोमेटिक पंप जिसमें एयर ब्लास्ट होता है, ठीक है। प्लंजर जनरली हाई वॉल्यूम स्प्रे के लिए हम यूज़ करते हैं, याद रखना है प्लंजर पंप के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, हाई वॉल्यूम स्प्रे के लिए हम यूज़ करते हैं 70 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर। रोटरी पंप में अगेन गियर एंड रोलर आते हैं, गियर मेनली यूज फॉर लो वॉल्यूम एंड रोलर वेन इज यूज फॉर कंपेरेटिवली हाई वॉल्यूम स्प्रे। डायफ्राम पंप अगेन प्लंजर पंप की तरह ही होते हैं, हाई वॉल्यूम स्प्रे की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल जो कि लो वॉल्यूम स्प्रे में यूज़ होते हैं। एंड द लास्ट, इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है तो आपको इतना ही ध्यान रखना है पंप के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है नोजल्स, टाइप ऑफ नोजल। तो नोजल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोजल वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारा स्प्रे लिक्विड जो होता है या फॉर्मुलेशन जो होती है बाहर डिस्चार्ज होने वाला होता है, दैट इज़ रिफर्ड एज नोजल। नोजल का मेन काम क्या होता है, ऑटोमाइजेशन करना, दैट इज़ पहले यहाँ पे देख लेते हैं नोजल के बारे में। डिवाइस यूज टू ब्रेक द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द स्प्रे टैंक इन टू फाइन ड्रॉपलेट्स, ठीक है। टैंक में जो भी स्प्रे लिक्विड है वो जब बाहर आएगा फाइन ड्रॉपलेट्स में, वो जो होता है वो होता है नोजल की वजह से। फंक्शंस क्या हैं, एटोमाइजेशन यानी जो लिक्विड है उसके, एंड आफ्टर दिस द अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नोजल इज दैट टू इम्पार्ट डिजायर शेप एंड एंगल टू द आउट गोइंग स्प्रे। मीन्स जो नोजल होता है उसमें से जब स्प्रे बाहर निकलता है तो सबसे पहले होता है ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन का मतलब तो हो गया कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाएगा जो भी स्प्रे है। उसके बाद उनका जो शेप होगा वो भी एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है, बहुत फाइन शेप होना चाहिए उनका, जो जनरली स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ही निकलेगा। एंड एंगल, एंगल का मतलब ये है कि लाइक यहाँ का जो पार्टिकल बाहर निकल रहा है उसको यहाँ पे स्प्रे होना है तो एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ वाले पार्टिकल्स को इधर स्प्रे होना है, इधर के मिडिल वाले पोर्शन के पार्टिकल को ऐसे एक एंगल जो है सुटेबल एंगल में ही स्प्रे होना है। तो ये जो काम होता है नोजल का होता है। आफ्टर दैट टू रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ द स्प्रे लिक्विड पर यूनिट टाइम एट अ नोन प्रेशर। तो प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं उस प्रेशर से क्या होता है, फैन यानी प्रेशर बिल्डअप करने के बाद एयर करंट पास होता है और एयर करंट के अकॉर्डिंग ही यूनिट टाइम में कितना स्प्रे बाहर डिस्चार्ज होगा उस चीज़ को भी रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, नोजल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी नोजल के, अगेन एटोमाइजेशन यानी उसकी पार्टिकल साइज को बहुत कम करना और शेप और एंगल को ध्यान रखना कि किसके शेप में पार्टिकल बाहर निकलेंगे और किस एंगल में वो स्प्रेड करेंगे, एंड ऑल्सो मेंटेन द डिस्चार्ज रेट। तो ये सारे फंक्शंस हैं नोजल के। अब हमारे अकॉर्डिंगली हम किस पर्पस के लिए स्प्रे कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग टाइप्स के नोजल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोजल्स के बारे में हमको पढ़ना है, तो यहाँ पर हम 5 डिफरेंट टाइप्स की नोजल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं पहली कैटेगरी, दैट इज़ गैसियस एनर्जी नोजल। तो जो गैसियस एनर्जी नोजल होता है जनरली इन दिस केस ओरिफाइस आर देयर, यहाँ पे क्या होती हैं ओरिफाइस प्रेजेंट होती हैं। ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हवा जो है पास होती है और हवा जो पास होती है वो लिक्विड को अपने साथ ले जाती है और वो बाद में नोजल के जब पास आते हैं, नोजल से जब बाहर डिस्चार्ज होंगे तो बहुत फाइन स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिपेंड करता है कि एयर वेलोसिटी हम कितनी रखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज़ डिपेंड करेगा। एयर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा फाइन होगा और कम एयर वेलोसिटी में पार्टिकल का साइज़ जो है बड़ा होता है। ये होते हैं गैसियस एनर्जी नोजल। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी नोजल की। सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी नोजल्स जो होते हैं जब वो पार्टिकल्स को डिस्चार्ज करते हैं तो उनका जो पार्टिकल का साइज़ है वो बराबर होता है मिस्ट के बराबर, जो मिस्ट होती है उसके तरह ही होता है, मिस्ट फॉर्म की जो बूंद होती है ना मिस्ट, तो उसी की तरह ही यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल नोजल जो होती हैं प्रोड्यूस करती हैं ड्रॉप्स। और जनरली ये यूज़ होते हैं हमारे अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स में, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर या फिर जो एयरक्राफ्ट स्प्रेयर्स होते हैं। अब अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर का भी मैंने आपको बताया कितना वॉल्यूम में स्प्रे रिलीज होता है, लेस देन 5
लीटर पर हेक्टेयर। तो ये अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे की वैल्यू है, याद रखना है। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में लेस देन 5 लीटर्स पर हेक्टेयर का स्प्रे होता है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो नोजल है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल नोजल्स। आफ्टर दैट, इससे पहले हमने जो पंप पढ़ा था वहाँ पे भी हमने सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा था, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल या फिर इम्पेलर पंप। अभी हमने ऊपर सेंट्रीफ्यूगल या इम्पेलर पंप पढ़ा था। इस कैटेगरी के जो पंप्स होते हैं यहाँ पे, ये हम यूज़ करते हैं 707 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर बिल्डअप करते हैं, और ये लो वॉल्यूम स्प्रे में हम यूज़ करते हैं। ये पंप की बात थी, लेकिन हम स्प्रेयर पढ़ रहे हैं, सॉरी ये अब हम नोज़ल पढ़ रहे हैं। तो नोज़ल में जो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी नोज़ल होता है वो हम यूज़ करते हैं ULV पर्पस, दैट इज़ हमारा अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे के केस में हम यूज़ करते हैं, और मिस्ट टाइप की ड्रॉपलेट्स यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। थर्ड कैटेगरी की नोज़ल हमारे पास है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी नोज़ल। काइनेटिक एनर्जी नोज़ल में क्या होता है, सच नोज़ल कंसिस्ट ऑफ एन ऑसिलेटिंग ट्यूब्स हैविंग होल। यहाँ पे ऑसिलेटिंग ट्यूब होती है जिसमें कुछ होल्स होते हैं, और वहाँ से क्या होता है कि लिक्विड्स जो होते हैं वो बाहर रिलीज आउट होता है। द स्प्रे लिक्विड इज कम आउट बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण यहाँ पे जो स्प्रे लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड एप्लीकेशन में हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी नोज़ल को। देन फोर्थ कैटेगरी है थर्मल एनर्जी नोज़ल। ये जनरली क्रिएट करती है फॉग वाला इफेक्ट, जो फॉग होते हैं ना, फॉग वाला इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होती है। अभी हमने देखा सेंट्रीफ्यूगल नोज़ल, सेंट्रीफ्यूगल नोज़ल जो होती है मिस्ट जो होता है मिस्ट क्रिएट करने के लिए होती है, मिस्ट वाली ड्रॉप्स होती हैं उनको क्रिएट करती है, जबकि जो थर्मल एनर्जी नोज़ल होते हैं वो फॉग्स जो वाली बूंद होती हैं उनको क्रिएट करती है। अब दोनों में अंतर क्या है तो दोनों ही ड्रॉप्स, पर उनका साइज़ अलग है। फॉग का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है, फॉग का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। मिस्ट जो होती है उसका साइज़ कंपैरेटिवली फॉग से तो बड़ा होता है। फॉग का साइज़ होता है 1 से लेकर 50 माइक्रोन। रिमेंबर फॉग का जो साइज़ है वो 1 to 50 माइक्रोन होता है, जबकि मिस्ट का साइज़ 50 से ज़्यादा होता है। 50 से ज़्यादा कितना है, यानी 50 to 150 माइक्रोन का होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं हाइड्रोलिक नोज़ल, लास्ट कैटेगरी है नोज़ल की हाइड्रोलिक नोज़ल। हाइड्रोलिक नोज़ल भी हमारी दो कैटेगरीज में डिवाइड है, फैट या फिर फैन टाइप फैन या फिर फ्लैट कोन टाइप नोज़ल, या फिर दूसरा है हमारा कोन स्विवल नोज़ल, कोन या फिर स्विवल टाइप नोज़ल। तो फैन में है ये वी शेप की ऑरिफिस यहाँ प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना है। और कोन वाले में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, कोन वाले में हमारा जो लिक्विड होता है, सपोज़ ये हम स्प्रेयर पढ़े, स्प्रेयर में जहाँ पे हम फॉर्मुलेशन को रखते हैं दैट इज़ कॉल्ड टैंक। टैंक में जो भी हमारी लिक्विड स्प्रे होता है उसमें स्विरलिंग मोशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ये जो स्विरल नोज़ल होती है वो क्या क्रिएट करती है, मेनली क्रिएट अ स्विरलिंग मोशन। स्विरलिंग मोशन क्रिएट होगी जिसके कारण हमारा जो लिक्विड है वो हमारा जो स्प्रे लिक्विड होता है वो डिस्चार्ज आउट हो जाएगा, ठीक है। हायर प्रेशर स्मॉलर ड्रॉपलेट साइज़, इसमें जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर जनरेट होता है, और ये ड्रॉप्स का साइज़ बहुत ज़्यादा फाइन होता है। फॉर गेटिंग बेटर एटोमाइजेशन एंड मोर एफिशिएंसी केन नोज़ल आर यूज्ड। तो यहाँ पे केन नोज़ल यूज्ड होती हैं, याद रखना है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं। इट इज़ यूज्ड ऑन स्प्रे ऑन बुशेज एंड क्रॉप प्लांट्स। तो बुशेज और क्रॉप प्लांट के स्प्रे में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के नोज़ल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो बात पढ़ी कि मिस्ट क्रिएट होती है, फॉग क्रिएट होता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल में मिस्ट क्रिएट हो रहा था, और थर्मल एनर्जी नोजल जो होती है फॉग वाली ड्रॉप्स क्रिएट करती हैं। अब इनका हमें पार्टिकल साइज तो मैंने आपको बता दिया, बट इसके अलावा हमको कुछ और इम्पॉर्टेंट साइज़ के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रॉप्स के बारे में पढ़ना है कि उनका साइज़ कितना रहता है। तो जनरली व्हेन वी आर गोइंग टू स्प्रे अ लिक्विड, उस टाइम पे जो पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, जो ड्रॉप की फॉर्म में पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, उनका साइज़ कितना होता है। जनरली फॉर स्प्रे पर्पस 100 to 400 माइक्रोन VMD, दैट इज़ वॉल्यूम मीडियम डायमीटर, और 1 माइक्रोन 10^-6 मीटर के बराबर होता है, दैट यू ऑल नो। इसके अलावा स्प्रे वॉल्यूम के जो पार्टिकल साइज है, इसके अलावा अगर हम स्प्रे करेंगे लॉन में, लॉन के केस में 400 to 500 माइक्रोन होना चाहिए। स्पेस स्प्रेइंग के लिए 30 to 80, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से सी नंबर जो है ना, दैट इज़ सी हेडिंग इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ड्रॉपलेट साइज ऑफ मिस्ट। खुसा
खुआसा भी बोलते हैं शायद को कॉमन लैंग्वेज में, हिंदी में या कॉमन लैंग्वेज में, दैट इज मिस्ट। मिस्ट का साइज़ जो होता है फॉग से बड़ा होता है, दैट इज मिस्ट जो है 50 से 150 माइक्रोन का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फॉग कितना साइज़ का होता है, फॉग का साइज़ होता है 1 to 50 माइक्रोन। उसके अलावा जो नेक्स्ट आती है स्मोक पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल और भी छोटे होते हैं, सबसे छोटे हो गए स्मोक पार्टिकल्स, ठीक है, दैट इज 0.001 to 0.1 माइक्रोन के होते हैं स्मोक पार्टिकल्स। तो मिस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉग इंपॉर्टेंट है, स्मोक पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। डस्ट पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, अभी हमने डस्ट के बारे में बहुत सारा पढ़ा कि डस्ट को स्प्रे करने के लिए वी यूज़ डस्टर, तो उसमें से डस्टर में से जो डस्ट के पार्टिकल्स निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, दैट इज़ 1 to 40 माइक्रोन साइज़ उनका होता है। ग्रैन्यूल्स का साइज़ भी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे होते हैं ग्रैन्यूल्स भी, 0.25 से लेकर 2.4 मिलीमीटर। ओके, तो ये कुछ साइज़ हैं, सारे याद नहीं करने, बट मिस्ट, फॉग, स्मोक और डस्ट का ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है टॉपिक, दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रे वॉल्यूम, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था। तीन टाइप के स्प्रे वॉल्यूम्स होते हैं, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम एंड अल्ट्रा लो वॉल्यूम, और इस चैप्टर में भी हमने कई जगह पर डिस्कस कर लिया है कि हाई वॉल्यूम का मतलब होता है मोर देन 400 लीटर्स पर हेक्टेयर और लो वॉल्यूम का मतलब होता है 500 to 400 लीटर्स पर हेक्टेयर। अब इसमें भी दो कैटेगरी हमारी बन जाती है, हमने पहले चैप्टर में रिवाइज करा है, नॉर्मल एरियल डोज क्या है और नॉर्मल हमारा ग्राउंड डोज क्या रहता है। तो एरियल डोज की बात करें तो एरियल डोज हमारा जो रहेगा दैट इज़ 15 to 75 लीटर्स पर हेक्टेयर, और जो ग्राउंड डोज होगा वो ज़्यादा होता है 100 to 200 लीटर्स पर हेक्टेयर। और जो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे है, अल्ट्रा लो दैट इज़ लेस देन 5 लीटर्स पर हेक्टेयर। तो ये तीन ध्यान रखना है, हाई वॉल्यूम स्प्रे, लो वॉल्यूम स्प्रे एंड अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे। हाई वॉल्यूम स्प्रे मोर देन 400 लीटर्स पर हेक्टेयर एंड लो वॉल्यूम 5 to 400 लीटर्स पर हेक्टेयर। अल्ट्रा लो वॉल्यूम इज़ लेस देन 5 लीटर्स पर हेक्टेयर। तो ये था। इसके अलावा यहाँ पे जो बताया गया है कि जनरली जो हम स्प्रे करते हैं स्प्रेयर के थ्रू, उसमें जो ड्रॉपलेट्स का साइज़ होता है वो 30 माइक्रोन से कम अगर होता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। लेकिन अगेन, जितना ज़्यादा फाइन पार्टिकल होगा स्प्रे का, यानी ड्रॉपलेट्स का साइज़ जितना ज़्यादा कम होगा, फाइन होगा, उतना ज़्यादा चांसेस हैं ड्रिफ्ट होने के। ड्रिफ्ट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमने नोज़ल से स्प्रे कर रहे हैं और जो पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत ही हल्के हैं, और अगर विंड की स्पीड बहुत तेज़ है, सपोज़ ये फील्ड, आप अपने फील्ड में स्प्रे करो लेकिन बगल में पड़ोस में किसी और का फील्ड होता है, तो आप क्या करोगे, स्प्रे करोगे और विंड का जो डायरेक्शन होगा उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आपके जो पार्टिकल्स हैं वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे के फील्ड में भी हवा के थ्रू मूव हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम ड्रिफ्टिंग की तब आती है जब पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा फाइन और स्मॉल होते हैं। तो स्प्रे के टाइम पे जो पार्टिकल का साइज़ होता है लेस देन 30 माइक्रोन, बहुत छोटा साइज़ है, इसलिए इन ड्रॉप्स का ड्रिफ्टिंग की, इन ड्रॉपलेट्स में ड्रिफ्टिंग की एक प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ड्रिफ्टिंग की प्रॉब्लम की वजह से मेन क्या हो जाता है, फिर जो हमारा टारगेट होता है कि हमें किस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर रहे हैं, वो पेस्ट फिर कंट्रोल नहीं हो पाता, हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्प्रेयर। हमने स्प्रेयर में इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस करे, तीन प्रिंसिपल थे, हाइड्रोलिक स्प्रेयर, न्यूमैटिक स्प्रेयर एंड एयर ब्लास्ट स्प्रेयर जिसको ब्लोअर बोलते हैं। आफ्टर दैट पम्प्स